संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम मैसागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय तीन में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समुद्र वगैरह जो आज हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, चाहे अटलांटिक सागर हो, तो ये सब ज्यों के त्यों चतुर्थ काल में थे ऐसा नहीं कह सकते। ये सब जो है बाद में बने हैं और इन्होंने ही जो है उस क्षेत्र को कम कर दिया। ये मेरा अपना सोचना है ना। तो इस तरह के कारण से ही जो है हम ये समझ सकते हैं कि जो बहुत बड़ा भूभाग है वो आज हमारे पास में थोड़ा सा रह गया है। बहुत कुछ तो ये जलीय क्षेत्रों के कारण से अवरुद्ध हुआ, और बहुत सारा भूभाग जो आज हमारे पास में होता वो उन जो विदेशी देश हैं, जैसे कि चीन है या अमेरिका है या रूस है, उनके भी और उसी और उन्हीं की साइड में और भी जो जली तत्व है उसने भी उनके उस भूभाग को रोक रखा, जिसके कारण से वो भी अपनी गति आगे नहीं कर सकते। तो ऐसा बहुत सा भूखंड है जो अवरुद्ध हुआ है। ये कौन बताएगा? ये तो कोई अच्छा खासा कोई जियोग्राफी पढ़ा हुआ हो, साइंस पढ़ा हुआ हो, वही बता पाएगा। ये अपने लिए एक सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि इतना बड़ा भूभाग में तो कभी भी भरत चक्रवर्ती आदि कोई नहीं रह सकते, है ना। आप सम्मेत शिखर को देख लो तो कोई भी तीर्थंकर किसी एक टोंक पर बैठ जाएंगे पूरा सम्मेत शिखर गिर जाएगा, समझ आ रहा ना। तो ये तो अपने मन से एक बहुत छोटी सी व्यवस्था अपने को देखने को मिल रही है, जो आज अपने लिए एक प्रतीकात्मक ही रह गई है। अयोध्या हो, चाहे सम्मेत शिखर हो, कोई भी चीजें हो, अपने लिए सब चीजें प्रतीकात्मक ही रह गई हैं, छोटी छोटी सी रह गई हैं। और वो अपने लिए इसलिए भी है क्योंकि वो धीरे धीरे हर चीज का ह्रास होता है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र का विस्तार तो उतना ही है, लेकिन उसमें भूखंड का ह्रास मानना चाहिए, है ना। ये मेरा अपना चिंतन है, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आपसे कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैं अपना चिंतन बता रहा हूं आपको कि भूखंड का ह्रास हुआ है, तभी इस तरह से हमारे पास में आज थोड़ी सी भूमि है। पॉपुलेशन थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है, अब एक डेढ़ कितने से लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं, इतने है ना, 130 करोड़ हाँ, 130 और पूरे विश्व की मिला लो तो 7-8 अरब, कितनी सी पॉपुलेशन है। अब ये जो है 100-150 करोड़ आदमी, और इसको भी इतना तमाशा बना रखा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे महाविस्फोट हो रहा है, समझ रहा है ना, पॉपुलेशन का बड़ा विस्फोट हो रहा है। अरे भाई क्या होता है, 100-200 करोड़ आदमी के मायने रखते हैं, ये तो पहले भी इससे ज्यादा रहा करते थे, जहां पर लाखों लाखों रोग रोजाना मरा करते थे, युद्ध हुआ करते थे, तो कितनी करोड़ों की जनता होगी, जब लाखों आदमी मरेगा तब महीनों महीनों युद्ध चलते हैं। तो और आज तो हम बड़ी छोटी छोटी सी अवगाहना के साथ में है। अगर तुम चक्रवर्ती का जो कटक होता है, उसकी जो सेना होती है, उसका विस्तार पढ़ लोगे ना, चक्कर खा के गिर जाओगे। 12 योजन में फैला हुआ वह चक्रवर्ती का जो कटक होता है, विस्तार समझो क्या होता है, उसमें कितनी सेना रहती होगी। मतलब कि अगर हम आज के लोगों की तुलना उस समय के लोगों से करें, तो हम ये देख सकते हैं कि उस समय पर लोगों की संख्या भी अधिक थी और लोगों की हाइट भी अधिक थी। तो जब संख्या भी अधिक थी, हाइट भी अधिक थी, उनकी अवगाहना अधिक थी, तो उनके लिए जगह भी तो अधिक मिलती होगी,
अन्यथा इतने बड़े छोटे छोटे भूखंडों में तो कोई रह ही नहीं सकता, उनके तो पैर ही नहीं समाएंगे इतने बड़े हॉल में। हाँ, और उसमें भी वो 84 खंड के मकान बने, बॉम्बे में भी नहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग, तो नहीं समझ आ रहा। 84 खंड के मकान, मतलब अपने आप में चीजें बड़ी मायने रखती हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि आज हमारे पास में जमीन की जो कमी पड़ रही है वो जलीय भाग के बढ़ने के कारण से या जलीय भाग से अवरुद्ध होने के कारण से उस भूखंड की कमी हो रही है ना, इसलिए हमें पॉपुलेशन ज़्यादा लग रही है। जब पॉपुलेशन कम होगी तो इसका मतलब यही लोगों के लिए आ रहा है, ये रहेगी कहाँ, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो रहेगी कहाँ, इसलिए कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग, है ना। तो आप ये देखें कि ये अवसर्पणी काल है, इसमें सब कुछ घट ही रहा है, तो इसमें घटते हुए भी आचार्य कहते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस तरह से मनुष्यों के लिए भी ये घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी होती रहेगी। अब ये कितनी बड़ी बात है कि जिस भरत क्षेत्र में हम और आप लोग रहते हैं उसी भरत क्षेत्र में 5 तो मिलेश खंड है और एक विजयार्थ पर्वत भी है जहां पर विद्याधर लोग रहते हैं, ठीक है ना। ये जो लिखा है यहां पर कि 6 कालों से उत्सर्पणी और अवसर्पणी के माध्यम से काल का परिवर्तन होता है, ये काल का परिवर्तन पूरे भरत क्षेत्र के लिए नहीं है। सूत्र में भले ही लिखा है भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र में तो आर्यखंड भी आता है और मिलेच्छ खंड भी आते हैं। हाँ, तो मिलेच्छ खंड में इस तरह के 6 काल नहीं चलते हैं। विजयार्थ की श्रेणियों पर भी विद्याधरों के लिए भी ये 6 काल नहीं है। ये तो हमें सूत्र की व्याख्या में उसके भीतर के सिद्धांत को जहां और भी आचार्यों ने व्याख्यायित किया है उसको देख करके मानना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि यह केवल भरत क्षेत्र के आर्यखंड के लिए ही है ये 6 काल। मिलेच्छखंड में कहाँ 6 काल होते हैं, वहां तो चतुर्थ काल ही रहता है। विजयार्थ पर्वतों पर भी चतुर्थ काल ही चलता है, वहां पर घटोत्तरी बढ़ोत्तरी तो होगी लेकिन वो इसी रूप में होगी कि अगर घट रहा है तो वह जैसे अवसर्पणी काल था, चौथा काल जब प्रारंभ हुआ था उस समय पर जैसा समय था, है ना, धीरे धीरे घट करके चौथे काल का जैसे अंत हुआ, तो उस टाइप से चौथे काल का जैसे प्रारंभ से जो घटाव हुआ है उस तरह का ही घटना वहां पर होएगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे उत्सर्पणी में बढ़ता है तो जैसे उत्सर्पणी का तीसरा काल पड़ेगा तो उसमें जैसी बढ़ोत्तरी होगी वैसी बढ़ोत्तरी वहां पर अब चल रही होगी। मतलब यहां तो जो है सब घट रहा है, मनुष्यों की आयु घट रही है, मनुष्यों की ऊंचाई घट रही है, उनके सुख घट रहे हैं, वैभव घट रहे हैं, और वहां सब बढ़ रहा है। कहां पे? विजयार्थों में, क्योंकि चतुर्थ काल तो पूरा हो चुका, तो एक जो है वो आरा एक पूरा हो गया। अब जो है जब वो एक पूरा हो गया चौथे काल के अंत, तो वहां पर तो बढ़ना शुरू हो गया और यहां जो है ये घटना शुरू हो गया, ये घट रहा है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो इससे ये समझना कि यह केवल आर्यखंड के लिए ही ये उत्सर्पणी अवसर्पणी के 6 काल हैं। अब ये 6 काल कौन से होते हैं, तो अवसर्पणी की अपेक्षा से देखें, जिस अवसर्पणी काल में अपन चल रहे हैं तो जब यहां पर पहला काल होता है तो उसे कहा जाता है सुषमा सुषमा काल, है ना। दूसरा जो काल होता है उसको बोलते हैं सुषमा काल, तीसरा काल होता है उसको बोलते हैं सुषमा दुष्मा काल, फिर चौथा काल जो आता है उसको बोलते हैं दुष्मा सुषमा काल, पांचवा काल ये चल रहा है जो दुष्मा काल, और छठवा काल आएगा दुष्मा दुष्मा काल, है ना। सा को खावी बोलने में आता है कहीं कहीं, जो षटकोण वाला सा होता है, इसलिए उसको सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा और दुखमा दुखमा ऐसे 6 कालों में विभाजित किया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर जब हम अभी पंचम काल में जी रहे हैं, अभी हम पंचम काल में हैं यहाँ पर, तो इससे पहले यहाँ 4 काल व्यतीत हो चुके हैं इसी क्षेत्र पर, इसी भूमि पर, है ना। जब यहाँ पहला काल था तो यहाँ पर भोग भूमि थी, और भोग भूमि भी 3 प्रकार की होती है, तो पहले काल था तो यानी उत्कृष्ट भोग भूमि का काल होता है,
दूसरा जो होता है मध्यम भोग भूमि का काल होता है, तीसरा जो होता है वो जघन्य भोग भूमि का काल होता है। तो तीनों भोग भूमियां यहां पे हो चुकी। और फिर उसके बाद में चतुर्थ काल आया और उस काल में जो है सभी प्रकार की कर्म भूमियों का जो तीर्थंकर हुए चक्रवर्ती हुए सब चतुर्थ काल में होते हैं। तो ये चतुर्थ काल में ये सब हो गया। अब ये पंचम काल चल रहा है दुखमा काल और इसके बाद में आएगा दुखमा काल। तो ये एक अवसर्पणी के छह काल हो गए। जब ये दुखमा पूरा हो जाएगा तो फिर उत्सर्पणी प्रारंभ हो जाएगी। अवसर्पणी माने घटती हुई, उपसर्पणी माने बढ़ती हुई। तो जब ये घटते ऑर्डर में है तो ये उस अवसर्पणी कहला रहा है। और जब यही सब मनुष्यों की फिर आयु उत्सेद उनका वैभव इत्यादि सब बढ़ने लगेगा तो वो उत्सर्पणी कहलाएगा। तो उसमें भी छह काल होंगे। शुरू यहीं से होगा। जब ये छठवां काल दुखमा पूरा हो जाएगा तो उस उत्सर्पणी का दुखमा काल प्रारंभ होएगा। फिर उसके बाद में दूसरा उसका काल आएगा दुखमा काल। फिर उसके बाद में उसमें काल आएगा दुखमा सुखमा काल। फिर आएगा सुखमा, फिर आएगा सुखमा और फिर अंत में आएगा सुखमा। माने पहले उत्सर्पणी में कर्म भूमि का काल चलेगा, बाद में भोग भूमि का काल आएगा। इधर जब हम अवसर्पणी में देखते हैं तो पहले भोग भूमि का काल आता है, फिर कर्म भूमि का काल आता है। तो इस तरह से ये छह आरे हैं, है ना, छह प्रकार के ये काल का यह एक अपना क्लासिफिकेशन कह लो, कुछ भी कह लो। तो इन्हीं छह प्रकार के कालों के माध्यम से एक उत्सर्पणी पूरा हो जाता है, एक अवसर्पणी पूरा हो जाता है। और इस उत्सर्पणी और अवसर्पणी की पूरी अवधि जो है, पूरा जो टाइम इसका है, वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का बैठता है। कितना? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। क्या होता है ये? अब सागर तो आप लोग जान ही चुके हो, है ना, असंख्यात का काल है। उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का मतलब हो गया करोड़ से, और करोड़ का गुणा करके उससे 10 से गुणा कर दो, है? और उसमें भी एक सागर का जो काल है उसके साथ में इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगा। अब इसका भी विभाजन बड़े अच्छे ढंग से किया हुआ है। जो पहला टाइम का जो एरा है इसमें जो है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है। पहला काल जो सबसे पहले आएगा सुषमा जो उत्तम भोग भूमि का काल होता है, वो कितने का? 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, है ना। फिर आएगा दूसरा काल जब मध्यम भोग भूमि का, तो वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। फिर आएगा तीसरा काल जघन्य भोग भूमि का, वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। मतलब 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक जघन्य भोग भूमि रहेगी इतने काल तक, है ना। मनुष्यों की आयु नहीं है ये, भोग भूमि का काल है, मतलब इतने टाइम तक वहां भोग भूमि ही रहेगी, है ना। तो ये हो गया 4, 3, 7, 2, 9। अब जो बचा 1 कोड़ा कोड़ी सागर का काल, इसमें चतुर्थ काल में पूरा ये हो जाता है। बस पांचवें और छठवां काल जो 21,000 वर्ष के होते हैं उनको कम कर दो तो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर चतुर्थ काल का टाइम है। पांचवां काल तो 21,000 वर्ष का है ही और छठवां काल भी 21,000 वर्ष का है ही। सो ये टोटल मिला करके 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाता है। जब ये अवसर्पणी हो गया पूरा तो उत्सर्पणी भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का हो गया। ये 10 और ये 10 मिला करके जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं, जब ये एक चक्र पूरा हो जाता है तो इसको बोलते हैं कल्पकाल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो एक कल्पकाल पूरा हो जाता है। तो इस तरह से ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस आर्यखंड के अंदर ये 6 चक्र काल के ये चलते रहते हैं और इसी के माध्यम से यहाँ के मनुष्यों में ऊंचाई इत्यादि की कमती या वृद्धि होती रहती है। तो ये तो आप महसूस भी कर सकते हो कि इससे पहले के जो मनुष्य होते थे उनकी हाइट भी अच्छी हुआ करती थी, है ना, और उनकी आयु भी अधिक हुआ करती थी और उनके पास में भोग वैभव सामग्री भी अधिक हुआ करती थी। आप देख लो थोड़ा सा गहराई से, है ना। आज जैसी मारामारी है वैसी मारामारी पहले नहीं रहा करती थी। हर आदमी के पास में खूब तो सोना, खूब चांदी, खूब धन धान्य सब हुआ करता था, सब घर में भरा पड़ा रहता था, कोई कुछ छीनने झपटने वाला नहीं होता था। हर चीज़ की कोई कीमत नहीं लगाई जाती थी। नमक, घी, दूध, छाछ ये तो यूं ही फ्री में बांटे जाते थे, समझ आ रहा ना। जहाँ आज देश में हर चीज़ बिक रही है
वहाँ यूं ही बांटे जाते थे, इतनी समृद्धि हुआ करती थी। और ये सब देखी भी है, है? जो आपके घर में दादा लोग हैं उनसे पूछ लेना, सब ने देखी भी है कि दो दो रुपए किलो, तीन तीन रुपए किलो का दूध शुरू हुआ था, आज वो तीस तीस साठ साठ रुपए किलो का दूध हो गया। वो समझ आ रहा ना, जब वो टाइम था, हाँ मतलब अपनी भी टाइम पे बता रहा हूँ, मतलब तीस रुपए किलो का घी होता था, तीन रुपए किलो का दूध होता था, समझ आ रहा है, हाँ। और आज देखो क्या तमाशा हो रहा है। तो ये तो सब देख ही रहे हो, तो इससे पहले भी जब देखते थे तो लोगों के लिए कभी भी छाछ वगैरह, तो मट्ठा जिसको बोलते हैं, वो तो जहाँ पर जिन लोगों के या गाय भैंस रहती है खूब बांटते थे गली मोहल्लों में, बिना किसी के ले जाओ तो उन्हें और अच्छा लगता था, समझ आ रहा ना। आज आदमी को देखने को नहीं मिलती ये छाछ। तो जो ये बहुमूल्य चीजें हैं, इन्हें आदमी को भोगने के लिए ना शक्ति बची और ना उसके पास में वो चीजें बची, है ना। आप समझो भले ही कि हम करोड़ों के मालिक हैं, हमारे पास ये है वो है, कुछ नहीं है, है ना। आपके पास ना रखने को कुछ है, ना आपके पास में कुछ जो है मतलब दिखाने को कुछ है, समझ आ रहा ना। पहले आदमी रखता भी खूब था, दिखाता भी खूब था। तो आज तो आप जो है घर से बाहर अगर निकले हो तो एक लर भी पहने हुए हो, वो भी जो है वापस आ जाओ घर पे तो बड़ी बात है, हाँ। तो इतने तो चोरों चक्के हो गए हैं, तो कुछ भी सुख नहीं बचा अब तो। कहने का मतलब यह है कि पहले लोगों के पास में सब कुछ रहता था और आज केवल दिखावा रह गया है, रहता कुछ नहीं है। तो हर व्यक्ति के लिए समझना है कि ये अवसर्पणी जो काल चल रहा है इसमें सब चीजें ऐसी घटना है, मारा मारी और बढ़ना है, है ना। पहले के लोगों के पास में कितना सोना चांदी दबा रखा रहता था पता ही नहीं पड़ता था, बाहर से आपको बिल्कुल फटे पुराने हाल में दिखाई देते थे और भीतर सब बढ़िया ठोस स्थिति रहती थी, जमी रहती थी, गाय बैल रहते थे, बड़े बड़े घर रहते थे, सब रहता था, है ना। अब तो कुछ नहीं है, सब बेंच बाँच करके बस फ्लैट बनाने लगे, एक बेडरूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है, बस हो गया, उसमें काम चला रहे हैं। तो ऐसे तरीके से रहने वाले इन लोगों के लिए कम से कम ये पढ़ने में आता है तो समझ में आता है कि अपन आज कुछ भी नहीं है, इससे पहले बहुत कुछ अच्छी समृद्धि थी, आज सिर्फ मारा मारी है और कुछ नहीं, समझ आ रहा है ना। तो भोग भूमि के जो लोग होते हैं वहाँ से अगर हम शुरू करें तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि भोग भूमि के जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं अपन जानते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भोग भूमि में स्त्री और पुरुष दो ही लोग होते हैं, उस परिवार के नाम पर कोई चीज नहीं होती है, है ना। वही दो स्त्री और पुरुष एक साथ ही जन्म लेते हैं और वही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तो वही पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं, बस इसके अलावा कोई किसी से लेना देना नहीं होता। भोग भूमि में रहने वाले बस दो ही युगल जीव होते हैं और जब मरण को प्राप्त होते हैं तो मरण भी दोनों का एक साथ होता है, तो किसी को कोई दुख नहीं होता कि पति पहले मर गया तो पत्नी रो रही, कि पत्नी पहले मर गई तो पति रो रहा, समझ आ रहा, क्योंकि रोने का मतलब ही दुख है, तो किसी को रोना तो है ही नहीं है, दुख होना नहीं है ना। तो वहां पर दोनों को एक साथ मरना, और मरने की भी बड़ी अच्छी वहां पर व्यवस्था है कि मरते समय भी कोई कष्ट नहीं होता है कि तड़फ रहे हों कि पड़े हैं, बस पुरुष को तो छींक आएगी और स्त्री को जम्बाई आएगी और आराम से प्राण निकल जाएंगे, समझ आ रहा। शरीर जैसे ही प्राण निकलेंगे बिल्कुल कपूर की तरह विलीन हो जाएगा, वहां पर कोई अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं है। शरीर होता तो औदारिक ही है, लेकिन फिर भी जैसा शरीर हम लोगों का पसीनेदार रोगी होता है ना, और मलमूत्र से सहित होता है, वैसा वहां पर नहीं होता है। होता तो औदारिक शरीर है लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला मिलता है, बहुत फैसिलिटी होती है उस शरीर में, है ना। हाँ, खाओ पियो सब। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि काल के कारण हो रहे क्षेत्र राज से आज हमारे लिए अयोध्या, सम्मेट शिखर आदि सिर्फ प्रतीकात्मक ही रह गए हैं। मुनिश्री के चिंतन के अनुसार भरत और ऐरावत क्षेत्र का विस्तार तो उतना ही है, लेकिन उसमें भूखंड का ह्रास हुआ है और इसी कारण से 7-8 अरब की पॉपुलेशन भी हमें जनसंख्या विस्फोट जैसी लगती है, जबकि पहले मनुष्यों की अफगाना और संख्या दोनों ज्यादा थी। आचार्य कहते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस तरह से मनुष्यों के लिए
ये घटोतरी और बढ़ोतरी होती रहेगी। हमने समझा कि सूत्र में भरत क्षेत्र का आशय सिर्फ आर्यखंड से है, यहीं पर काल परिवर्तन होता है। पांच म्लेच्छखंड और विजयात पर्वत पर हमेशा चतुर्थ काल ही चलता है, लेकिन वहाँ भी चीजें घटती बढ़ती हैं, जैसे अपसर्पिणी में चौथे काल में घटती है या उत्सर्पिणी में बढ़ती है। यहाँ तो मनुष्य की आयु, ऊंचाई आदि घट रहे हैं और वहाँ सब बढ़ रहे हैं। अपसर्पिणी मतलब घटती हुई, उत्सर्पिणी मतलब बढ़ती हुई। जिस अपसर्पिणी काल में हम चल रहे हैं, उसकी अपेक्षा से पहला काल सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा यानी वर्तमान काल दुष्मा और अंतिम छठवा काल दुष्मा दुष्मा होता है। सुषमा सुखमा और दुष्मा को दुखमा भी कहते हैं। उत्सर्पिणी काल की अपेक्षा से पहला दुखमा दुखमा काल, दूसरा दुखमा, तीसरा दुखमा सुखमा, चौथा सुखमा दुखमा, पांचवा सुखमा और छठवा सुखमा सुखमा होगा। अपसर्पिणी काल में पहले भोग भूमि फिर कर्म भूमि होती है। उत्सर्पिणी में पहले कर्म भूमि फिर भोग भूमि होती है। अपसर्पिणी में क्रमशः उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से तीन प्रकार की भोग भूमि होती है। उसके पश्चात चतुर्थ काल आता है, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि होते हैं। अभी पंचम काल यानी दुखमा काल चल रहा है और इसके बाद दुखमा दुखमा काल आएगा। फिर उत्सर्पिणी काल प्रारंभ हो जाएगा। फिर से मनुष्य की आयु, उत्सेद, उनका वैभव इत्यादि बढ़ने लगेगा। एक अपसर्पिणी काल की पूरी अवधि 10 कोड़ाकोड़ी सागर होती है। पहला काल उत्तम भोग भूमि 4 कोड़ाकोड़ी सागर का, दूसरा मध्यम भोग भूमि 3 कोड़ाकोड़ी सागर का, तीसरा जघन्य भोग भूमि 2 कोड़ाकोड़ी सागर का। पांचवा और छठवा काल 21-21 हजार वर्ष के होते हैं और चतुर्थ काल 42 हजार वर्ष कम 1 कोड़ाकोड़ी सागर होता है। इसी प्रकार उत्सर्पिणी भी 10 कोड़ाकोड़ी सागर ही होते हैं। उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी काल को मिलाकर 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्प काल का चक्र होता है। काल परिवर्तन का प्रभाव भोगों भोग की सामग्री पर भी पड़ता है, जैसे पहले की अपेक्षा नमक, घी, दूध, छाछ आदि सभी की कमी रहती है और इनके लिए चोरी छीना झपटी बढ़ती है, समृद्धि कम हुई है। भोग भूमि में परिवार के नाम पर स्त्री और पुरुष दो ही लोग होते हैं। दोनों एक साथ ही जन्म लेते हैं, पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं और साथ ही मरण को प्राप्त होते हैं। पुरुष के छींक आने पर और स्त्री के जम्भाई लेने पर आराम से प्राण निकल जाते हैं और शरीर बिल्कुल कपूर की तरह विलीन हो जाता है। इनका शरीर औदारिक ही होता है, परंतु अच्छी क्वालिटी वाला होता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्मानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही
सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, उत्सर्पणी की अपेक्षा से निम्न में से कौन से काल में भूभूमि होती है? केवल पहले दूसरे काल में, केवल दूसरे काल में, पहले से तीसरे काल में, पांचवें काल में। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं।